आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन विद मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप नीडो लिया हुआ है, मिल्क पाउडर लिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने 1 कप शुगर लिया हुआ है। तो 1 कप के अंदर मैं 1 कप से थोड़ा कम पानी यूज़ करूँगी, और इसे हम चाशनी बनाने में यूज़ करेंगे। चाशनी में सेफ्रॉन मैं डाल रही हूँ, अगर आप चाहो तो डालिए, नहीं डालना है तो आप सेफ्रॉन की जगह पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। और 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर मैदा ऑल पर्पज़ फ्लावर डालूंगी, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लगेगा, ऑयल हमें फ्राई करने के लिए लगेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चाशनी बनाने के लिए रखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं 1 कप से थोड़ा कम पानी डालूंगी, देखिए, और मैं इसमें 1 कप पूरा शुगर ऐड कर दूंगी। तो इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये शुगर अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाए और ये थोड़ी सी थिक नहीं हो जाए। हमें एक रिंग कंसिस्टेंसी नहीं रखनी है, बस ये थिक हो जाए उतना ही हमें इसे कुक करना है। तो पहले इसे बॉईल आने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन ले लिया है, पैन के अंदर मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने मिल्क पाउडर लिया था वो मैं इसमें डाल दूंगी, और इसमें मैं हाफ कप के करीब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी। और इसे हमें इसे मावा भी बनाते हैं, ऐसे ही सेम मेथड से मावा बनाते हैं। तो मैं इसे स्लो फ्लेम पे बस इसे ऐसे चलाते रहूंगी, और इसे हम बस इसे लम्स नहीं रहे, बस इतना हमें इसे मिक्स करना है कि इसमें जब तक लम्स ना रहे, और ये ऑटोमेटिकली पैन को छोड़ने लगेगा। ये देखिए मावा बन जाएगा अभी बस कुछ मिनटों में। एटलीस्ट अगर मैं फास्ट फ्लेम पे बनाती हूँ तो ये आपको within 2 मिनट्स में पता चल जाएगा, और स्लो फ्लेम पे बनाएंगे तो आपको 5 मिनट लगेगा इसको। तो ये देखिए इसको मैं बस इस तरीके से स्टर कर रही हूँ ताकि जो भी लम्स वगैरह है वो चले जाए। ये करने का मेथड इसलिए ये करना है इसीलिए मैं कर रही हूँ, वाई बिकॉज जो क्रैक वगैरह आते हैं गुलाब जामुन में जब भी हम बनाते हैं मिल्क पाउडर से, और जो बॉल वगैरह बनते नहीं है बरोबर, तो अगर इस मेथड से बनाओगे तो बहुत अच्छे से बन जाते हैं। बिकॉज इसको बनाते टाइम ये जो मैं बना रही हूँ ये मावा टाइप हो जाएगा, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, तो सॉफ्ट ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाता है। बाउल हम जब जैसे बॉल हम बनाते हैं तो गुलाब जामुन का शेप, तो ये अच्छे से बन जाएगा, इसमें कोई क्रैक वगैरह नहीं आएगा। तो चलिए इसे हमें बीच बीच में ऐसे ही बस स्टर करते रहना है, हमें इसे छोड़ना नहीं है, बस हमें इसे घुमाते ही मतलब चलाते ही रहना है, और ये तब तक चलाना है जब तक कि इसमें कोई ये पैन को ना छोड़ दे, तब तक हमें इसे चलाना है। और यहाँ पर देखिए ये अच्छे से बॉईल हो रहा है चाशनी, तो इसको मैंने साइड में रख दिया है बॉईल होने के लिए। तो चलिए ये जब घट होता है, ये जब पैन से छूटता है तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए ये थिक हो गया है अभी, और ये पैन से ऑटोमेटिकली छूटने लग गया है। ये देखिए मैं इसे इस तरीके से कर रही हूँ, तो ये एक मिक्स हो जा रहा है। अगर हमें मावा बनाना है तो इसे और एटलीस्ट कुछ सेकंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए हमें और पकाना होगा, बट अभी मैं इसे बंद कर दूंगी गैस का फ्लेम, और इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे सबसे पहले। तो इसे मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ, ये अच्छे से कुक हो गया है तो मैं बंद कर देती हूँ गैस का फ्लेम। और ये देखिए यहाँ पर जो हमारी चाशनी है वो भी अच्छे से कुक हो गई है, तो अभी मैं इसका भी गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। लेकिन जब मैं ये गुलाब जामुन फ्राई करूंगी तब इसे मैं थोड़ा सा गर्म कर लूंगी। मेक श्योर कि जब भी हम गुलाब जामुन डालते हैं चाशनी में तो चाशनी थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए, वार्म होनी चाहिए, तो वो गुलाब जामुन जो है वो चाशनी एब्जॉर्ब करता है। तो अभी मैं फिलहाल बंद कर देती हूँ इसे। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने बनाया था मिल्क पाउडर से मावा, ये अच्छे से ठंडा हो गया है। बस इसे मैं इस तरीके से फोर्क की मदद से मैश कर रही हूँ, और इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर और जो मैंने मैदा बोला था वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं ये हटा देती हूँ फोर्क, अब मैं हाथ की मदद से कर लेती हूँ, और मैं इसे इसके राउंड शेप में बना लेती हूँ। तो बस इसे इस तरीके से ही मिक्स कर लेना है, बहुत ही आराम से हो जाता है ये।
ये देखिए, आप चाहो तो इसमें पनीर ऐड कर सकते हो, बट मैंने पनीर नहीं ऐड किया हुआ है, आप चाहो तो पनीर भी ऐड कर सकते हो। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। जब भी हम मतलब इस तरीके से बनाते हैं तो ये जो प्रॉब्लम आती है कि मिल्क पाउडर से बनाना है सॉफ्ट नहीं बनता है, हमारा जो डो है वो सॉफ्ट नहीं बनता है, और जो उसकी फिर दर हम जो बॉल बनाते हैं वो सही नहीं बनते हैं। तो अगर इस मेथड से बनाओगे तो देखिए बगैर कोई प्रॉब्लम के आपका बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है ये, अब मैं इसके राउंड शेप बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हम इस तरीके से, और बस इस तरीके से इसे हल्के हाथ से ही राउंड कर लेंगे, और इसमें कोई क्रैक और कुछ नहीं दिखेगा आपको। ये देखिए राउंड शेप बन गया है अच्छे से, बस इसी तरीके से मैं सारे बना देती हूँ एंड देन फिर हम फ्राई करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल लिया हुआ है, तो मैंने गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखा हुआ है, और बस इस तरीके से चेक करेंगे तो देखिए इसको बबल्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि अच्छे से हमारा ऑयल जो है वो फ्राई हो चुका है, सॉरी गरम हो चुका है, मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी हाँ। और फिर अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो सारे हैं गुलाब जामुन के बॉल वो हम इसमें डाल देंगे, और इसे हमें कैसे पकाना है बताती हूँ। बस इस तरीके से आपने बगैर ये लोगों को चिपकाते हुए अच्छे से कुक कर लेना है। स्लो ही पकाना है आपने, स्लो पे ही पकाना है, और इसे जब तक कलर नहीं आ जाता तब तक हमें इसे अच्छे से पका लेना है। तो ये देखिए ये अच्छे से गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो गए, तो मैं इसे निकाल लूंगी, और मैंने आपको बताया था कि चाशनी हमारी गरम होनी चाहिए, तो ये देखिए मैं चाशनी में डाल रही हूँ। चाशनी गरम है, थोड़ी ज़्यादा गरम नहीं है, थोड़ी सी गरम है, बस इसे इस तरीके से मैं इसमें डाल दूंगी, और मैं बाकी के भी जो सारे हैं ये मैं फ्राई कर लेती हूँ।